चलिए, तो पिछले क्लास में हमने बॉन्ड मास पढ़ लिया था, है ना? तो आज भी हम थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं, देन उसके बाद हम आगे का डिविजिबिलिटी जो रूल है वो स्टार्ट करेंगे। तो बॉन्ड मास में एक फुल फॉर्म है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सीरीज चलती है। सबसे पहले बी आता है, ब्रैकेट मतलब कोष्टक। सेकेंड आता है ऑफ मतलब मल्टीप्लाई। थर्ड आता है डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग देना। चौथे पे आता है मल्टीप्लीकेशन, गुणा। पांचवे पे आता है एडिशन, मैम जोड़। आपकी आवाज कम आ रही है। यस आवाज कम आ रही है अभी? ठीक है, मैम। अगर आवाज कम आ रही है तो एक बार क्लास मिस करके दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। क्या मैम? हेलो वैसे आवाज तो बेटा सही आनी चाहिए, बाकी बच्चों को क्लियर है क्या मेरी आवाज? मैम, मेरे यस फोन में आई मैम। नहीं रही आवाज। आपके फोन में नहीं आ रही तो क्लास कट करो, क्लास लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो। एस मतलब सब्ट्रैक्शन, घटाओ। ठीक है, तो उसके बेसिस पे एक उदाहरण भी कर लिया था, है ना? जैसे मैम कि आप हम, सुन रहे यस बोले बेटा, अभी भी नहीं आ रही है? अभी भी नहीं आ रही है मेरी आवाज? मैम? आप सही आवाज आ रही है। हाँ, तो हमेशा याद रखना, चाहे स्क्रीन चली जाए या आवाज कम आए तो क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेना, ज्यादातर केस में ठीक हो जाता है। ठीक है, इसको देखते हैं। बॉन्ड मास का नियम लगाया, आपको दिख रहा है दो चिन्ह है यहाँ पे, एक प्लस है एक मल्टीप्लाई है। आपको पता है मल्टीप्लाई पहले होता है प्लस बाद में, तो आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 7 से गुणा करेंगे 21 आएगा, और 21 को, सॉरी यहाँ नीचे प्लस का साइन है, 21 और 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा, है ना? याद आ गया होगा सभी को, ये 25 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मैं दे देती हूँ अपनी तरफ से, फिर हम आगे डिविजिबिलिटी वाला जो टॉपिक है वो अपना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखना। 10 माइनस 4 प्लस 3 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 2, ये सॉल्व करिए। क्वेश्चन सभी को दिख रहा होगा, बॉर्ड मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया है, सॉल्व करो और चैट सेक्शन में इसका आंसर बताओ क्या आएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे अलग अलग आंसर्स आप लोगों ने लिखे हैं, 0 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, 22 आ रहा है, 16 आ रहा है, 18 आ रहा है, 12 आ रहा है। अब जिस बच्चे का मैं नाम लूंगी ना, मुझे माइक ऑन करके बताएगा उसने कैसे अटेम्प्ट किया है। चलो ठीक है, क्लास लीव मत कर देना ये सुन के। संदीप के नाम से जो बच्चा है बेटा, बताओ जरा 0 कैसे आया, आपने यस मतलब मैम। आपने सॉल्व कैसे किया इसे? 0 आंसर आ रहा है ना आपका, मैम जी, बताओ। पहले मल्टीप्लाई का आता, फिर 3 2 6, फिर प्लस का आता है 6 4 10, और 10 10 इज माइनस, तो इक्वल टू 0। अच्छा ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट अरुण के नाम से जो बच्चा है, बताओ बेटा कैसे किया, 18 आंसर आ रहा है आपका। अरुण वर्मा के नाम से जो बच्चा है, मेरी वॉइस नहीं आ रही है, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आपने क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। ठीक है, चलो कोई और बताएगा। किरण के नाम से जो बच्चा है, बेटा बताओ कैसे किया।
किरण के नाम से भी बच्चा है बेटा, माइक ऑन करो और बताओ कैसे सॉल्व किया आपने। 18 आंसर आ रहा है आपका। नहीं, कोई बच्चा बताना चाहेगा? हाँ चलो, पहले जिसका 6 आंसर मैम आ, 18 एक मिनट, जिसका 6 आंसर आ रहा है सुमित के नाम से जो है मैम बेटा। मेरा हाँ, क्या कैसे किया? मैम, पहले ब्रैकेट को देखा उसमें मैम, फिर ब्रैकेट में से मैम प्लस करा हमने 403 को, उसको मैम फिर 10 में से माइनस कर दिया, जो आंसर आया मैम उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ओके चलो, अब कौन बताएगा? एके उस्ताद के नाम से जो है बेटा, बताओ कैसे किया। सेम मैम जी मेरा तो बिल्कुल सेम ही है। हाँ, ही है तो फोर को जिसका, प्लस क्या चलिए, मैम, राजा के नाम से जो है बेटा, राजा के नाम से कैसे किया? राजा जैन के नाम से जो बच्चा है बेटा, कैसे किया? नहीं, देखो मैं बताऊं जिसका 18 आंसर आ रहा है मुझे वो बताएगा। मैम, पहले 10 और 3 को प्लस किया, फिर मैम 4 माइनस किया और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आया आंसर? 18। वेरी गुड, 18 इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों ने क्या किया, बॉर्ड मास तो सही लगाया आपने। आपने यहाँ देखा, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ही सॉल्व होना चाहिए। अब ब्रैकेट तो है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी दो साइन है, एक माइनस का है एक प्लस का, मतलब अंदर भी फिर से बॉर्ड मास लगेगा। यहाँ दो बार बॉर्ड मास लगेगा, ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा लेकिन ब्रैकेट के अंदर वाला बॉर्ड मास अलग से लगेगा, समझे? तो ब्रैकेट के अंदर प्लस और माइनस है, तो पहले प्लस होगा फिर माइनस। प्लस कौन होंगे? 10 के आगे प्लस का साइन है और 3 के आगे, 10 और 3 को तो जोड़ोगे 13 आएगा। भाई 10 और 3 के आगे तो आपको साइन दिख रहे हैं, यस मैम, 10 के आगे प्लस का साइन है, कुछ साइन नहीं है। 3 के आगे प्लस है, 10 और 3 को जोड़ो 13 आया। ब्रैकेट अभी हटेगा नहीं जब तक सॉल्व ना हो, माइनस का 4 वही है। अब सब्ट्रैक्शन होगा, घटा दो, 13 में से 4 जाएंगे 9, गुणा दो। ये है इसका उत्तर। काफी कम बच्चों ने 18 आंसर किया था, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रही थी। समझ में आया? कोई यस मैम। ऐसा बच्चे से समझ में ना आया हो तो पूछ लो दोबारा से। तो जब भी ब्रैकेट के अंदर एक से ज्यादा हमारे चिन्ह आ जाए, तो वहां पे भी बॉर्ड मास लगाना है सेम उसी तरीके से, वहां पे भी वही रूल फॉलो होगा। ठीक, मैम ये कौन से वाले सवाल एक और क्वेश्चन दे रही हूँ मैं इसी तरीके का। है मैम, हाँ जी ये कौन से सवाल है? बेटा, बॉर्ड मास वाला है। पिछली क्लास में बॉर्ड मास करे थे ना हमने, बोर्ड अब मैम, थे पिछली क्लास में, तो नो मैम मैं नहीं था। वीडियो मैंने ग्रुप में भेजी थी, आपको देखनी चाहिए थी ना फिर। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि सबसे पहले बॉर्ड मास में जो चीज पहले आती है वो पहले नंबर पे हल होती है। तो ब्रैकेट पहले आ रहा है तो ब्रैकेट सॉल्व होगा। अब ब्रैकेट के अंदर भी एक से ज्यादा चिन्ह है तो बॉर्ड मास लगाओ। पहले प्लस होता है, ए पहले आ रहा है, एस बाद में आ रहा है, सब्ट्रैक्शन बाद में, तो पहले ऐड होगा। 10 और 3 जुड़ेंगे 13, घटा 4, उसमें से घटा हुए 13 में से 4 जाएंगे 9 आएगा, फिर लास्ट में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, ठीक है मैम, एक और क्वेश्चन दो उसी तरीके का। यस मैम। चलिए, इसे कीजिए सॉल्व। 10 × 3 भागा 3 घटा 20, नो बेटा आंसर माइनस में नहीं आएगा। माइनस माइनस गलत लगा रहे हो, माइनस में नहीं आएगा।
माइनस में नहीं आएगा बेटा आंसर, लिख तो 10 ही रहे हो वो ठीक है बट माइनस साइन नहीं आएगा। देखो आपको पता है ब्रैकेट सॉल्व होना है पहले, तो पहले ब्रैकेट हल करोगे, अब ब्रैकेट के अंदर भी फिर से बॉड मास लगेगा, यहाँ डिवाइड है और गुणा है, तो आपको पता है पहले भाग होता है उसके बाद गुणा होता है, तो पहले भाग करो, 3 को 3 से भाग करोगे तो 1 आएगा। यस ओके ओके, मैंने यहाँ पे ठीक है ठीक है ठीक है, गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है ओके, यहाँ मुझसे मिस्टेक हो गई थी। 10 को 1 से गुणा करोगे 10 आएगा, माइनस का 20, यस माइनस का 10 आएगा, गुड मैम माइनस का माइनस 10 ही आएगा। माइनस का ही आएगा, वो मैंने वहां पे गलती कर दी थी, माइनस का 10 आएगा ठीक है यस। अच्छा आपको ये साइन लगाने आते हैं क्या कि माइनस का कैसे आएगा यस प्लस मैम, का कैसे आएगा? अगर नहीं आते हैं तो कोई यस प्रॉब्लम नहीं, आगे हमारा संख्या मैम, पद्धति वाला चैप्टर सब मुझे होगा, समझ वहां में नहीं आया सीख लें। मैम, ये मुझे समझ में नहीं। नहीं आया दोबारा समझा देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ, एक बार समझा देती हूँ। तो करा क्या आपने, सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो किया? माइक ऑफ कर लो बेटा पहले, मेरी आवाज रिपीट हो रही है ना। बॉड मास में ब्रैकेट पहले सॉल्व होता है, अब ब्रैकेट के अंदर भी डिवाइड और गुणा है, तो पहले भाग होगा उसके बाद गुणा होगा, डी पहले आ रहा है ना, एम बाद में आ रहा है, तो करो 3 को 3 से भाग किया मैंने, 1 आया, अब ब्रैकेट अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, 10 को 1 से गुणा किया 10 आया, माइनस का 20, अब 10 में से 20 नहीं घटा सके, 20 में से 10 घटा और 10 आया। अब जिस संख्या का, जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे जो साइन होता है, जो चिन्ह होता है वो लग जाता है, माइनस का 10 ठीक है। यस मैम, तो अब हम डिविजिबिलिटी वाले पे चले, आई होप अब आगे क्वेश्चंस आप लोग कर लेंगे। विभाजकता के नियम देखते हैं हम, मतलब हम कैसे किसी भी संख्या को देख के, मतलब ज्यादा मुझे भाग ना करके सिर्फ देखते ही पता चल जाए, या कोई शॉर्ट ट्रिक हो के मैं बता सकती हूँ कि ये संख्या इससे विभाजित होने वाली, इससे डिवाइड होने वाली है पूरी तरह। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 2 की विभाजकता नियम। अब ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं अगर आपको याद हो टेबल में, कि 2 से कौन सी संख्याएं भाग होती थी बेटा बताओ, 2 से हम कौन सी संख्या को भाग कर लेते थे जो देखते ही बता लेते थे कि ये संख्या 2 से भाग होने वाली, याद है किसी को? हाँ यस वेरी गुड, मतलब मैंने ये इवन देखा नंबर मैम। हाँ मैंने ये देखा था जिन संख्याओं के इकाई वाली जगह पे इन 5 में से कोई भी अंक होता था वो संख्या मेरी 2 से विभाजित हो जाती थी, या इनडायरेक्टली कहूँ कि जो हमारी सम संख्या है वो 2 से विभाजित होती है। सम संख्याओं को पहचानने का भी वही तरीका है कि इकाई वाली जगह पे ये हमारे अंक होने चाहिए, जैसे 16 को देखो, 16 में 6 है इकाई वाली जगह पे, तो ये 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह 24, 24 में 4 है इकाई वाली जगह पे, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा। 628, इसमें भी 8 है यूनिट वाली प्लेस पे इकाई वाली जगह पे, ये भी हमारा 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह 252, उसी तरह 50, समझ में आया? ये सारी संख्याएं हमारी 2 से विभाजित हो जाएंगी, याद बस आपको ये 5 अंक रखने हैं, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 बस, और बस यूनिट प्लेस देखनी है, इकाई वाली जगह देखो और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है? नो मैम, चैट सेक्शन में लिखो, है तो वाई लिखो, नहीं है तो एन लिखो। नो मैम, हाँ चैट सेक्शन का यूज करेंगे, चैट सेक्शन का यूज करेंगे, है तो वाई लिखिए, नहीं है तो एन लिखिए बस। सभी बच्चे एन लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपने इकाई वाली जगह देखी तो इन 5 में से एक भी संख्या नहीं है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। हाँ बिकॉज लास्ट डिजिट इज 9, गुड ठीक है, 2 वाला क्लियर। 3 पे बढ़े, 3 का नियम देख लेते हैं।
देखो, तीन का नियम भी हमारा बहुत ज्यादा आसान है। कैसे आसान है? तीन से वही हमारी संख्याएं विभाजित होंगी। जैसे 57 है, 57 है। अब 57 में दो अंक है, एक है 5, एक है 7। अब 5 और 7 को जोड़ो कितना आएगा? 12। नो, माइक ऑन करके नहीं बोलना, और वो भी इतनी तेज से। चैट सेक्शन में लिखो, मैं देख लूंगी चैट सेक्शन में। यस, 5 और 7 12 होता है। अब 12 को अगर आप देखो, आपको पता है 12 हमारा 3 के पहाड़े में आता है। 12 3 नहीं आता। फोर जा 12, 3 4 जा 12 होता है ना। यस, आता तो है। नो, क्यों लिख रहे हो? आता है 3 4 जा 12। इसका मतलब अगर मैं किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ूं और मुझे ऐसी संख्या प्राप्त हो जो 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाए या 3 के पहाड़े में आए, तो ऐसी जो वो पूरी संख्या होगी वो भी 3 से विभाजित होगी। मतलब 57 भी, 57 भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। ठीक है, बस उसके अंकों को जोड़ना है। जोड़ के अगर वो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल देखो, 204 को देखते हैं। अंक जोड़ो, 2 + 0 + 4 कितना आया? 6। आपको पता है 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, तो ये भी संख्या हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। 204 भी 3 से विभाजित होगा। इस तरह 57, 357 भी 3 से विभाजित था। क्लियर हुआ? कैसे हैं? सभी का दिखाया है। सभी संख्या को देखो, 12 भी 3 से विभाजित है, यहाँ भी 12 आया, यहाँ 6 आया, यहाँ 15 आया, यहाँ 24 आया। सभी के साथ 3 दी गई, सभी संख्याएं 3 से विभाजित है। एक क्वेश्चन कर ले, क्वेश्चन से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं रैंडमली कोई भी नंबर वहां पे देती हूँ, आप लोग बताना 3 से विभाजित है या नहीं। बताओ, 3 4 5 0 4 1, ये बताओ 3 से डिविजिबल है या नहीं है? है तो वाई लिखना, नहीं है तो एन लिखना चैट सेक्शन में। मिक्सअप आंसर आ रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है नहीं है। क्लास में 23 बच्चे, मेरे पास 23 आंसर आने चाहिए। अभी तो बच्चे रह गए जिन्होंने आंसर नहीं किया। ठीक, चलो देखते हैं। अब जोड़ो, 3 + 4 + 5 + 0 + 4 + 1, 3 4 7, 7 5 12, 12 और 4 16, 16 और 1 17। 17 आता है क्या 3 के पहाड़े में? हाँ, तो फिर ध्यान से देखना है ना, 3 4 5 नहीं हो, 3 4 5 0 4 1, तो 17 तो हमारा 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो 3 से विभाजित नहीं होगा। यस, ठीक है, चलिए। 3 वाला हो गया, 4 वाला देखिए आप। 4 से कौन कौन सी संख्या हमारे विभाजित हो सकती है? देखो, तो 4 से वही संख्या हमारी विभाजित होंगी। अब देखो एग्जाम्पल से समझोगे तब अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं पहले एक संख्या ले लेती हूँ, 112, 112 मैंने लिया। अब मुझे देखना है 112 4 से डिविजिबल है या नहीं है। तो क्या करना है, इसके ना दो अंतिम अंक लेने हैं। दो अंतिम अंक मतलब इकाई और भाई वाले अंक, ये है, ये इकाई वाला है और ये भाई वाला है। तो इकाई और भाई वाले अंक ले लिए 12। अब इन दोनों अंकों को ना 4 से डिवाइड कर दो, 4 से
डिवाइड करो कितना आएगा, तीन। यस, मतलब कि शेषफल हमारा शून्य आया, रिमाइंडर शून्य आया नहीं आया। अगर मेरा भाग करने पे लास्ट के दो अंकों को भाग करूंगी चार से और शेषफल शून्य आता है तो पूरी की पूरी संख्या हमारी चार से विभाजित हो जाएगी, मतलब 112 हमारा चार से विभाजित है। तो कहने का क्या मतलब है कि मुझे पूरी पूरी नंबर नहीं उठा के फोर से डिवाइड करना पड़ा, बस लास्ट के दो नंबर से मुझे मतलब है। लास्ट के दो नंबर को चार से डिवाइड कर दो, अगर डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर ही चार से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं तब और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो 4004, अब इसके ये दोनों अंक उठाएंगे। अब संख्या के आगे शून्य लगाए तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इस जीरो का कोई मतलब नहीं, मैं नहीं लगा रही कोई फर्क नहीं पड़ता। फोर से डिवाइड करो, फोर वन जा फोर, इसमें भी शेषफल शून्य आया, आया ना। यस, शेषफल से मतलब है मुझे, मुझे भागफल से कोई मतलब नहीं, शेषफल शून्य आना चाहिए। तो इसका मतलब 4004 भी चार से विजिबल डिविजिबल होगा, विभाजित होगा। क्लियर हुआ सभी को? चलिए एक संख्या मैं आपको दे रही हूँ, उससे पहले आप देख लीजिए, सभी संख्याएं हमारे चार से विभाजित है, 12 भी, 4 भी, 24 भी। मतलब अगर आप डायरेक्ट चार का पहाड़ा भी पढ़ लो ना, अगर चार के पहाड़े में आ रही है लास्ट की दो डिजिट तो वो हमारे चार से पूरी तरह विभाजित है। जैसे 12 भी आता है, 4 भी आता है, 24 भी आता है, 16 भी आता है, 20 भी आता है। तो डायरेक्ट आपको देखना है चार के टेबल में आ रहे हैं, ये भी ऐसे भी देख सकते हैं। नंबर दे रही हूँ, ये बताओ चार से विभाजित है या नहीं। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 4, 5, 6, 7, 8, नहीं है? देख लो एक बार फिर से, नहीं है ना। हाँ, तो मैंने लास्ट के दो डिजिट उठाए, इसको चार से भाग किया, 4 1 जा 4, 38, 4 9 जा 36। यहाँ तो हमारा भागफल परिशेषफल बच रहा है दो, शेषफल दो आ रहा है, इसका मतलब ये चार से विभाजित नहीं है। यस, रिमाइंडर टू आ रहा है ना, तो इसलिए चार से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, यस, आगे बढ़े, चार तक समझ में आ गया। पांच का देख लेते हैं, पांच का बहुत इजी है। पांच से वही संख्याएं हमारी विभाजित होंगी जिनके इकाई वाली जगह पे या तो शून्य हो या पांच हो, मतलब बस ये देखना है कि इकाई वाली जगह पे जीरो और फाइव में से कोई अंक है तो फाइव से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 15 पांच है तो डिविजिबल है, 90 शून्य है तो डिविजिबल है, 105 पांच है तो डिविजिबल है। ये इतनी बड़ी संख्या पांच है लास्ट में तो डिविजिबल है। क्लियर हुआ? बस इकाई वाली जगह पे या तो शून्य दिख जाए या पांच दिख जाए तो वो हमारा पांच से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, प्रश्न देती हूँ। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है,
सेवन नाइन सिक्स फाइव टू वन जीरो ये है। अब मुझे बताओ ये जो सामने संख्या लिखी है वो हमारी कौन कौन सी संख्या से विभाजित है जो मैंने पढ़ ली है अभी। यस, जो चैट में अननेसेसरी बातें करेगा मैं क्लास से रिमूव कर दूंगी उसे। चैट में सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बातें होनी चाहिए और कुछ नहीं। देखो देख के बताओ कौन कौन सी संख्या से, दो का देख लिया, तीन का देख लिया, चार का देख लिया, पांच का देख लिया, अब बताओ इन चारों में से कौन कौन से डिविजिबल होगा। मैम पोल सेक्शन में दो ना मैम क्वेश्चन। बेटा पोल सेक्शन में इसके बाद आएंगे, इसको करो उसके बाद पोल सेक्शन में ही मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है। पोल सेक्शन का ही आ रहा है इसके बाद। मैम जो जो बता देंगे आज तो उनका नाम भी लोगे ना मैम आप। हाँ उनका नाम भी लूंगी, ठीक। वेरी गुड, अब मैं बताती हूँ किस किस बच्चे ने सही किया है। ब्रजेश कुमार के नाम से जो है, देव कुमार, अंकित, शिवानी, अंकित, शिवा, साहिल, आर्यन, राजा, कपिल, एके, एके उस्ताद क्या होता है बेटा, प्रॉपर नाम रखो अपना, अंश, अंकित, संदीप, सत्यनारायण, नौशुद्दीन, अरुण और अर्जुन के नाम से जो भी बच्चे हैं सभी का ठीक है। शिवा के नाम से जो बच्चे हैं, ग्रेट, सभी ने ठीक किया है। तो यहाँ पे मैं पहले टू से देखते चलती हूँ, तो दो से तो पूरी तरह विभाजित है क्योंकि एंड में शून्य आ रहा है, दो से है, ठीक है। पांच से देखती हूँ, पांच में भी पूरी तरह विभाजित है क्योंकि एंड में शून्य है, ठीक है। तीन से देखती हूँ, तीन के लिए मुझे सबको जोड़ना पड़ेगा, तो जोड़ो कितना है बेटा, ऐड करके बताइए आप लोग, ऐड करके कितना है इन नंबर्स को। 32, टू प्लस सेवन प्लस नाइन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस टू प्लस वन, यस 32 देखा। तो ये तो थ्री के टेबल से डिवाइड होगा ही, मतलब थ्री के टेबल में आता ही नहीं है, तो तीन से नहीं है। बात करें चार की, चार के लिए दस को हमने चार से विभाजित किया, तो इसमें तो शेषफल आ रहा है, कितना आ रहा है शेषफल, दो आ रहा है, वो चार से भी नहीं है, तो उत्तर है दो और पांच, ठीक है, दो और पांच दोनों से। यस क्लियर हुआ, चलो। अब एक क्वेश्चन, अब हम पोल सेक्शन में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए, पोल सेक्शन में कर लेते हैं, ये चैट सेक्शन मैंने ऑफ कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 15, आपको बताना है दो से विभाजित कौन सी संख्या है इन चारों में से, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पोल में जाकर कीजिए आंसर। एक बच्चे ने कैसे गलत कर दिया 14 स्टूडेंट्स में से। मैम क्या नाम है उसका जिसने गलत किया है? बेटा नेम नहीं आएगा बट हाँ, अभी दो बच्चों ने गलत किया, नेम मैं नेक्स्ट क्लास में बता पाऊंगी। चैट सेक्शन ओपन कर दो। हाँ बस कर रही हूँ, आखिरी के 5 सेकंड्स बेटा, 5 4 थ्री टू मैम ओपन नहीं हुआ। हाँ कर रही हूँ मैं बेटा ओपन, हो गया होगा देखो। ये दो से विभाजित होने वाली
शून्य दो चार छह आठ इकाई वाली जगह पे, ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, बस सी में ही है। यहाँ चार दिख रहा है आपको एंड में, तो सी हमारा सही उत्तर है। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, इजी था ये बहुत। चलो अब एक और क्वेश्चन, और जब भी मैं पोल सेक्शन में क्वेश्चन दूं ना, तो प्लीज थोड़ा वेट कर लिया करो चैट सेक्शन ऑन होने का, क्योंकि अगर मैं चैट एंड पोल सेक्शन दोनों एक साथ ऑन कर दूंगी तो फिर दोनों जगह आंसर्स आएंगे, और फिर चैट सेक्शन में तो चीटिंग ज्यादा होती है। ठीक है, तो 30 सेकंड का मुझे टाइम दिया करो, उसके बाद मैं चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी। चलो, 16वां क्वेश्चन, तीन से विभाजित होने वाली संख्या, तो इसमें तो टाइम लगने वाला है। बाकी बच्चे कॉपी में करो, फिर मैं इसे चैट सेक्शन ऑन कर दूंगी। कोई बात नहीं, पूरा टाइम लीजिए, बट ध्यान से करना, गलत नहीं होना चाहिए। गुड, 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं मेरे पास। एम चैट सेक्शन खोल लो। बस बेटा एक अभी पोल सेक्शन में कितने बच्चों के आंसर आ गए हैं। चलिए, चैट सेक्शन ऑन कर दिया, बाकी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कर दो। तो ज्यादातर बच्चे डी ऑप्शन बोल रहे हैं, तो मैं इस ऑप्शन वाइज चलती हूँ। मुझे सारी अंकों को जोड़ना है इसमें, बताओ पहले को जोड़ा कितना आया। माइक ऑन करके बता सकते हो, पहले को जोड़ा कितना आया मैम? 23। तो ये तीन से आता है विभाजित होता है, दूसरे को जोड़ा कितना आया? 23। दूसरे का 23। ये भी नहीं होता। 18। आपको पता है तीन के पहाड़ी में 18 तो पता है। 18। माइक ऑफ कर लो। 18। तो बस सही उत्तर। बेटा किशन कुमार के नाम से ऑन कर रहे हो तो ठीक है। चले एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। यस, 17वां क्वेश्चन पोल सेक्शन में, चार से विभाजित होने वाली संख्या, चार से विभाजित होने वाली, बहुत आसान है एक क्वेश्चन भी, आपको बस पता है चार से कौन सी संख्या विभाजित होती है। कीजिए
सात में से एक बच्चे का गलत हो गया अभी। वो 11 बच्चों का आंसर आ चुका है। पांच सेकंड्स और दे रही हूँ बेटा, कैलकुलेशन फास्ट करो अपने। 5 4 3 2 1 एंड कर रही हूँ फोर सेक्शन। चलो सी आएगा। नो माइक ऑन करके आंसर नहीं बताना था। ऑप्शन वाइज चलते हैं, मैं ए से चलती हूँ। तो आपको लास्ट की दो डिजिट उठानी है और इसको चार से भाग दे देना है। चार एकम चार, दो आया चार उतारा, चार छक्के 24। शेष फल शून्य आया तो यही वो संख्या है जो चार से विभाजित होगी, बाकी कोई नहीं होगी। ठीक है, आप देख भी सकते हैं 50 भी नहीं होगा लास्ट में, 82 भी नहीं होगा, 23 भी नहीं होगा, तो बची कौन सी संख्या? ए। ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करें पोल सेक्शन में ही। यस मैम। यस मैम। 18। यस मैम। पांच से विभाजित होने वाली संख्या बतानी आप, कौन सी संख्या पांच से विभाजित है? इसमें किसी ने भी गलती नहीं करी है, 15 बच्चों का आंसर ठीक है। आखिरी के 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में बोलो। ये पहला क्वेश्चन है जो किसी ने भी गलत नहीं किया है। 5 का मेरे ख्याल से आप लोगों को सबसे इजी लग रहा है क्या? बाकी में आप मतलब दो तीन बच्चे हैं जो गलत कर रहे हैं। इजी था। ठीक है, तो आपको देखना है यूनिट प्लेस पे इकाई वाली जगह पे या तो शून्य हो या पांच हो। यहाँ नहीं है, यहाँ है, शून्य है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। हाँ, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ इजी था। नेक्स्ट करें। अब हम देखते हैं छह से नियम, छह का नियम भी होता है कि कौन से संख्या छह से डिविजिबल है या नहीं। तो देखो, आपको दो और तीन का नियम पता है ना, दो और तीन से भाग होने वाली संख्याएं कौन सी होती है? अब ऐसी संख्या जो दो और तीन दोनों से विभाजित हो जाए, मतलब वो संख्या हमारी दो से भी होनी चाहिए, तीन से भी होनी चाहिए। अगर वो दोनों संख्या से विभाजित है तो वो छह से भी विभाजित हो जाएगी। ठीक है, छह का नियम ऐसा कुछ नहीं है, बस यही बोलता है कि यदि संख्या दो और तीन दोनों से हो, एक ही साथ विभाजित होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दो से हो रही है, दूसरी नहीं हो रही, दूसरी तीन से नहीं हो रही, दोनों से होनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल लो 18, 18 हमारी दो से भी विभाजित हो रही है, हाँ, क्योंकि लास्ट में 8 है। अब 18 के मैंने अंक जोड़े, 9 आया। अब 9 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है, तो मतलब 18 ऐसी संख्या है जो दो से भी विभाजित हो रही है, तीन से भी। तो दोनों से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो 6 से भी ऑटोमेटिकली विभाजित हो जाएगी। समझ में आया सभी को नियम? Yes, ma'am. कोई ऐसा बच्चे नहीं समझ में आया हो, दोबारा समझाओ, दोबारा समझाना है तो पूछ लो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक ही लिए है। अब मैं ले रही हूँ एग्जांपल 78 का। आप लोग जिनको आ गया समझ अपनी कॉपी में चेक कर लो है या नहीं। 78 को पहले मैंने देखना है दो से विभाजित है या नहीं। तो मैंने इकाई वाली जगह पे देखा कि 8 आ रहा है, तो ये दो से विभाजित है। इसी संख्या को मुझे देखना है तीन से विभाजित है या नहीं।
तीन से देखने के लिए मुझे इसके अंकों को जोड़ना होगा, 7 और 8 को 15 आएगा। 15 मुझे पता है कि 3 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये संख्या 6 से भी विभाजित होगी, क्योंकि ये 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है। क्लियर हुआ? अब क्लियर है? 2 एग्जांपल हमने देख लिए। देखो यहाँ सभी का एग्जाम्पल दे रखा है, तो यहाँ 8 है, यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो सारी संख्या 2 से विभाजित है। इनके जोड़ के 9 15 9 15 9 ये आ रहा है, ये सभी भी 3 से विभाजित संख्याएं हैं। ठीक, आगे बढ़े क्या? 6 तक के हमने देख लिए हैं, आगे अब आ रहा है हमारा 8 से विभाजित होने वाली संख्या। अच्छा, उससे पहले एक क्वेश्चन दे दूं मैं आपको, अपनी तरफ से कोई बड़ा सा नंबर देती हूँ, आप लोग बताना, इसमें लगाना डिविजिबिलिटी टेस्ट। ठीक, एक प्रश्न मैं सोच रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है 6 9 9 4 5 1 0 एंड लास्ट में है 2। और लास्ट में 3। ये इतनी बड़ी मैंने संख्या आपके सामने लिखी है, आप मुझे इसमें सबका डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाओ और बताओ ये कौन कौन सी संख्या से विभाजित है। मतलब आपने बताना है क्या ये 2 से है विभाजित, 2 से देखना है, 3 से देखना है, 4 से, 5 से, 6 से, देखा है, देखा है, बताओ। एक बच्चे का आंसर आ गया, सुमित नाम के बच्चे का। ठीक है, ध्यान से चेक करना बेटा, कहीं कोई संख्या रह ना जाए। दो पांच तीन और छह से होगा, या दो तीन चार पांच छह, कोई 2 5 लिख रहा है, कोई 2 3 5 6 से लिख रहा है। बाकी बच्चे भी आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है, बट आंसर सही आना चाहिए इसका। फिर मैं बताऊंगी कौन ऐसा बच्चा है, कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। जल्दीबाजी में आंसर नहीं की करना है, आराम से करो और बताओ। सभी संख्याओं का लगाओ, 2 का भी, 3 का भी, 4 का, 5 का और 6 का, फिर देखो क्या सभी से डिवाइड हो रही है। मैम सभी से डिवाइड हो रहा है, देखते हैं अभी। माइक ऑन करके कभी भी नहीं बोलना है आंसर तो, स्पेशली अब मैं बताती हूँ कौन ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने आंसर एकदम सही किया है। तो सबसे पहला बच्चा है जिसने एकदम करेक्ट आंसर लिखा है, एक है ब्रजेश कुमार के नाम से जो बच्चा है, सुमित के नाम से जो बच्चा है, शिवा के नाम से जो बच्चा है, एके के नाम से बच्चा है, एके उसका बेटा नाम चेंज कर लो, नेक्स्ट क्लास में नाम चेंज होना चाहिए आपका, नोशित के नाम से जो बच्चा है, देव के नाम से जो बच्चा है, अरुण के नाम से, अंकित के नाम से,
आर्यन के नाम से बेटा, आर्यन मैंने सिर्फ 6 तक के ही बोले थे। शिवानी के नाम से अरुण के नाम से और अंश के नाम से, ठीक है, इन बच्चों ने ठीक किया। अब हम देख लेते हैं इसका आंसर। सबसे पहले मैं 2 पे जाती हूँ, लास्ट में मैंने देखा शून्य है तो 2 से तो विभाजित है, इसी के साथ साथ ही 5 से भी विभाजित है क्योंकि लास्ट में शून्य है। अब मैं 4 को देखती हूँ, 4 के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो 4 से नहीं होंगे। तो मैंने देखा 20, 20 तो 4 के पहाड़े में आता है, 4 5 20, 4 से भी है, ठीक है। अब 3 का देखती हूँ मैं, 3 से करने के लिए सबको जोड़ दो, 6 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0, ये आएगा 36। अब मैं इसे 3 से भाग दूंगी तो कट जाएगा, शेषफल शून्य आएगा, आएगा ना, 36 को 3 से भाग करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आ रहा है, मतलब शेषफल शून्य आ रहा है। तो ये संख्या 3 से भी विभाजित है। अब ये 2 से भी विभाजित है, 3 से भी है, तो 6 से तो ऑटोमेटिकली होगी। इसका मतलब ये ऐसा प्रश्न है जो जितनी मैंने अब तक आपको पढ़ाई है संख्याएं 2 3 4 5 6 सभी से विभाजित है। क्लियर हुआ? जिस भी बच्चे का कुछ भी छूटा होगा, मतलब कुछ कुछ बच्चे हैं जिन्होंने, किसी ने 4 छोड़ दिया था, किसी ने 3 छोड़ दिया था, किसी ने 6 छोड़ दिया था, तो ये सभी से विभाजित होने वाली संख्या है। समझ में आया? बढ़िया, चलिए तो यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं 8 से विभाजितता का नियम। तो 8 का भी 4 जैसा ही, बस 4 में 2 अंक देखते थे, इसमें अंतिम के 3 अंक देखने, और वो भी उन उन संख्याओं पे ही एप्लीकेबल होगा जिसमें 4 या उससे अधिक संख्याएं होती है, ठीक है, 4 या उससे अधिक संख्याएं होती है, ठीक है। देखो जैसे मैं यहाँ पे देखूं, अंतिम 3 अंक देखना, अंतिम 3 अंक है 128, इसको मैं 8 से विभाजित करती हूँ, 8 1 जा 8, कितना आया, माइनस माइनस करके 4, 8 6 जा 48, फिर से हमारा शेषफल आ गया शून्य, ठीक है, शेषफल शून्य आ गया, तो 2 1 2 8 हमारा पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सभी को समझ में आया? ठीक है, 152 को भी चेक कर सकते हैं, 152 को भी 2 से विभाजित, 8 से कर दो, 8 1 जा 8, 7 आया, 2 उतारा, 8 9 जा 72, यहाँ पे भी शेषफल शून्य आ रहा है तो ये भी विभाजित है। 24 को भी चेक कर सकते हैं, 24 को क्या मैं आगे शून्य लगा दू, आगे मैं 24 के आगे शून्य लगा दूंगी क्या संख्या में? 7 का भी है, 7 का बाद में आएगा, अभी पहले इजी इजी वाले हैं, 7 का भी है, 24 के आगे मैं शून्य लगा दूं तो कोई फर्क पड़ेगा? आपको पता होना चाहिए कि किसी भी नंबर के आगे मैं 0 लगाऊं ना, उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो वैसे ही रहता है। बेटा 7 का भी है, 7 का भी है, आगे आएगा, अभी थोड़ा 7 का ना इससे थोड़ा सा अलग है, अभी हम वो कर रहे हैं जो इजी इजी है स्टार्टिंग के, तो बाद में आएगा 7 का, 11 का भी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट के 3 डिजिट देखनी है, अगर वो 8 से डिविजिबल है, शेषफल शून्य आ रहा है, तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसको चेक करो, 65136 करो, लास्ट के 3 डिजिट है, 136, 136 को 8 से विभाजित करो, हो रहा है या नहीं हो रहा, आप बताओ मुझे चैट सेक्शन में। हो रहा है? तो करा आपने 8 से विभाजित, 8 1 जा 8, कितना आएगा, 5 बचेगा, 8 7 जा 56, रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक
तो ये पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया सभी को? दी गई सभी संख्याएं 8 से विभाजित होती हैं। क्लियर बेटा? तो आज के लिए ना हम 8 तक के डिविजिबिलिटी नियम तक ही देखते हैं, उससे आगे वाली क्लास में हम 9 का